बच्चे हमेशा बर्गर खाने की जिद करते हैं, लेकिन हर बार हम उन्हें बाहर से लाकर तो नहीं दे सकते क्योंकि बाहर का बर्गर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो आज हम बर्गर बना रहे हैं, वो भी एकदम देसी स्टाइल में, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। आप इसे हमेशा बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 आलू ले लिए हैं उबले हुए। इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। जब भी आप उबले हुए आलूओं की कोई भी रेसिपी बनाएं तो आलूओं को 3 से 4 घंटा पहले ही उबाल कर रख लें, ताकि इनके अंदर का एक्स्ट्रा पानी सारा सूख जाए। अब मैं यहाँ पे पैन रख रही हूँ गर्म होने, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सरसों के दाने। जीरा को थोड़ा सा चटकने देना है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी 1/2 टीस्पून। और जब भी आप गरम तेल में हल्दी डाल रहे हैं तो उसे 7 से 8 सेकेंड ही पकाएं, इससे ज़्यादा ना उसे पकने दें, वरना आपकी हल्दी जल जाएगी और उसका सारा कलर ख़राब आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इसे ना पकाएं। हल्दी यहाँ पर हो चुकी है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू। अब आलू डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, ताकि इनके अंदर का सारा जो पानी है वो सूख जाए और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए इनमें, इनका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में इसके 1/2 टीस्पून चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब बस सब कुछ डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक इसे और अच्छे से भूनना है। बस यहाँ पे आलू का बैटर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे टिक्की का शेप देकर ब्रेड क्रम्स लगाकर इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर डायरेक्ट ही ऐसे इस्तेमाल करूँगी। मैं इसे आलू की टिक्की नहीं बना रही हूँ, क्योंकि टिक्की में बहुत ज़्यादा तेल प्रोड्यूस होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसलिए मैं इस बैटर को बर्गर में डायरेक्ट ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है, और उसके साथ ही मैं एक टमाटर भी बारीक काट ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़े और भी वेजीज इसमें डाल सकते हैं। साथ में मैंने ली है घर की बनाई हुई ग्रीन चटनी, और यहाँ पर अमचूर की चटनी खट्टी मीठी। ये मैंने लिए हैं बर्गर वाले 2 पाव। पाव को हमें बीच से काट लेना है। आप चाहें तो और दूसरे भी टाइप का पाव ले सकते हैं। इसे बहुत संभाल कर काटें, वरना ये थोड़ा सा काटते वक्त फट भी जाता है। अब ये दोनों बर्गर को मैंने अच्छे से काट लिया है, तो मैं इसमें लगा रही हूँ अमचूर की खट्टी मीठी चटनी। दूसरे बर्गर में भी इसी तरह से लगा लेना है। साथ में दूसरे बर्गर में मैंने लगाई है तीखी वाली चटनी। अब मैं इसमें जो हमने आलू का बैटर बनाया था उसे 1 चम्मच मैं इसमें अच्छे से लगा दे रही हूँ। दूसरे बर्गर में भी हमें इसी तरह से लगा देना है। अब मैं इसके साथ डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज, और साथ में डाल रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। अब हमारा मेन कोर्स आता है ढेर सारा पनीर। यहाँ पे पनीर डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ढेर सारा पनीर हमें इसमें अच्छे से क्रश करके डालना है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। चीज़ के बगैर तो बर्गर पूरा हो ही नहीं सकता, और जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसमें डालना है ढेर सारा चीज़। अब ये दोनों पाव को ऊपर से इसमें लगाकर अब मैं इसे फ्राई पैन में डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, और अब मैं इसमें हमारे बर्गर को अलट पलट कर सेकूँगी। अगर आप चाहें तो अपने बर्गर को माइक्रो ओवन में कुछ मिनट के लिए रख सकते हैं। मैं माइक्रो ओवन में नहीं सेक रही हूँ, मैं डायरेक्टली फ्राई पैन में सेक रही हूँ। इसे अलट पलट कर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे अच्छे से सेक लें, और बस रेडी है आपका घर का बनाया हुआ एकदम हेल्दी बर्गर। आप इसे हमेशा बना सकते हैं, मिनटों में बन जाता है, और बाज़ार के बर्गर से बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। और अगर आपको मेरी हेल्दी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।